बताओ कैसी हो बहन? अच्छी है दीदी। बताओ वोट देने जा रही हो ना, किसे वोट देना है? वोट? हाँ? वोट क्या हम किसी को ऐसे ही दे देंगे? तो? वोट कोई फोकट में देने वाली चीज नहीं है। अच्छा, अरे कोई पैसे, हाँ? कोई कपड़े, हाँ? कोई सामान, हाँ? कोई कुछ, हाँ? कोई कुछ देगा तभी तो। और हाँ, जब तक नहीं मिलेगा सही दाम, तब अच्छा? तक नहीं होगी वोट की काम। अरे इसका मतलब तुम और तुम्हारे वोट दोनों भी काम है? क्या क्या मतलब है आपका? अरे उधर देखो, उधर देखो, हमारी नेता कैसा हो? दी 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 कैसी हो? हमारी नेता कैसी हो? दी 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 कैसी हो? वोट पर, दी 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 वोट पर, दी दी दी। नमस्कार बहनों। नमस्कार। मैं आप लोगों के क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ। अच्छा, आप लोग अपना कीमती वोट दे के मुझे विजय बनाए। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, हाँ? यहाँ अच्छी पक्की सड़कें, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, नारी सुरक्षा सभी की व्यवस्था करके दूंगी जो आप लोगों के हित में होगा। अच्छा? लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपना वोट मुझे देकर विजय बनाना होगा। अच्छा? बहन आप तो आती है मेरे निवास स्थल पे, आप आइए सामने, इन्हें भी लेके ये बहन जी को भी लेके आइएगा और जो भी खर्चा पानी होगा आके ले लीजिएगा। बहनों शहर में जरूरत की सारी आवश्यकता अनुसार चीजें बंटवा दो। ठीक है। क्या मतलब है आपका? क्या कहा आपने? खर्चा पानी ले लीजिएगा निवास स्थान पर आकर, क्या मतलब है आपका? अरे बहन जी खर्चा पानी मतलब तो साफ है, कुछ पाने के लिए कुछ तो देना होगा ना। वोट पाना है तो खर्चा पानी तो लगेगा। इसका मतलब आप हमें और हमारे वोट को बिकाऊ समझती हैं? अरे आप क्या समझती हैं? 5 सालों में एक बार आएंगी, अपना चेहरा दिखाएंगी, इतने बड़े बड़े वादे करेंगी, इसके बाद ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी मिला ही नहीं हो। अरे आप हमारा वैल्यू नहीं जानती, हम इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और ये हमें कुछ रुपयों की खातिर थोड़े से सामान देकर हमारा वोट लेना चाहती है? हमें बिकाऊ समझ रखा है? क्या समझ रखा आपने हमें? हम ऐसे प्रत्याशी को कभी वोट नहीं देंगे जो थोड़े से रुपयों के लालच में, कुछ सामान के लालच में हमसे हमारा वोट खरीदना चाहते हैं। चले जाइए यहाँ से, हम आपको कभी वोट नहीं देंगे। और तुम्हें जरा भी बुद्धि नहीं है? उन्होंने क्या कहा कि तुम उनके आवास स्थान पर जाती हो और वो तुम्हें कुछ देती हैं, इसका मतलब तुमने अपना वोट बिकाऊ कर दिया है? अरे थोड़े से रुपयों के लालच में, थोड़े से कुछ सामान के लालच में तुम अपना वोट बेच देती हो? अरे अपना मत का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपने वैल्यू को जानो। हम इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, हमारा एक एक वोट कीमती है। हम ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो हमारे विकास की बात करे, हमारी सुरक्षा की बात करे, हमारी शिक्षा की बात करे। हम ऐसे नेता को वोट देंगे जो हमें लालच देकर हमसे हमारा वोट लेना चाहते हैं? अभी वक्त है, समझ जाओ। समझ गए।